हेलो एवरीवन, गुड न्यूज़ इज़ दैट आई हैव क्लियर AZ305 दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिज़ाइनिंग एंड सॉल्यूशन ऑफ एज़्योर माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम एंड आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल ऑफ द एक्सपीरियंस दैट आई फील दैट यू शुड नो इफ यू आर गोइंग टू गिव सच काइंड ऑफ एग्जाम इन एज़्योर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गिव AZ104 दैट इज अ काइंड ऑफ एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर एग्जाम. आफ्टर दैट ओनली यू नीड टू अप्लाई AZ305 बिकॉज विदाउट दैट यू आर नॉट एबल टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ द एग्जाम. Second point is that you have to go all of the practice tests that are available in Microsoft site, that is esi.microsoft.com. You may go through the Udemy courses, and along with there is exam topics and some dumps are available at the site. From there you can practice your test and you get to know how you are going to give this exam. So now I am going to tell you step by step that I have prepared for this exam as how I gone through Udemy or exam topics or esi.microsoft.com. I hope this video would be helpful for you to certified in AZ305. So all the best, and remember that this is an expert level of exam, so you are getting 1 hour 60 minutes to clear this exam. You have enough time and it is around 65 questions and there is no negative marking. So all the best and let's go through the video. मैंने लॉगिन कर लिया है. यहाँ पर मैं माई रजिस्ट्रेशन में गई हूँ और इसके बाद मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन डाला. माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन डालने के बाद जो भी आपका कोर्स है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं AZ305 की, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे. और ये मैंडेटरी है, ये बेस्ट रहेगा अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे आने वाला है. सेम चीज़ अगर आपको इसका मटेरियल चाहिए, कोर्स का मटेरियल, वो गेट स्टार्टेड में जाइएगा, फिर आपको ऐसे मिलेगा माइक्रो सर्टिफाइड. इसके ये जितना भी रिक्वेस्ट ऑप्शन वन है, ये इस, हाँ, इसमें आपको पहले एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट, यानी कि जो हमारा AZ104 हमारा एग्जामिनेशन होता है, वो करना जरूरी है, तभी आपका इसका सर्टिफिकेशन मिलेगा. और ये लर्निंग पाथ पर जाइएगा और इसे स्टार्ट कर दीजिएगा. इसमें सारे के सारे जितना भी इसका सिलेबस है, उन सब का स्टडी मटेरियल है, और इसे पूरा कंप्लीट कीजिएगा. इससे क्या होगा ना, आपको सिलेबस का पता चल जाएगा. जैसे ये डिज़ाइन आइडेंटिटी गवर्नेंस मॉनिटर सॉल्यूशन है, डिज़ाइन गवर्नेंस है, इसको स्टार्ट कीजिएगा. ये सारा मटेरियल यहाँ पर सिलेबस का इनकी साइट पर अवेलेबल है. डिज़ाइन ऑथेंटिकेशन, डिज़ाइन ए सॉल्यूशन टू लॉग एंड मॉनिटर एज़्योर रिसोर्स, तो ये मैंडेटरी है. इससे पहले अभी हम देख लेते हैं कि इससे पहले जो हमारा सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है, वो एक कौन सा हमारे लिए मैंडेटरी दिया हुआ है. इस पर क्लिक कीजिएगा और ये आपको एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट, यानी कि आपका AZ104, पहले आपको ये कंप्लीट करना है. इसका भी सारा का सारा सिलेबस यहीं आइटम इन द कलेक्शन में अवेलेबल है. इसके लिए भी सेम प्रोसेस चलेगा. और ये दो तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर दिया, तो आप ऑनलाइन फ्री सर्विसेज ले लीजिए प्रिपरेशन के लिए, या फिर आप इंस्ट्रक्टर LED जो कि पेड सर्विस है इनकी माइक्रोसॉफ्ट की, आप वहाँ से पेड सर्विस ले लीजिएगा. सो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट मोड में, तो ये भी टू टाइप के टेस्ट मोड है, एक सर्टिफिकेशन मोड में, एक प्रैक्टिस मोड में. तो आप आइदर वे, या तो आप सर्टिफिकेशन मोड पर क्लिक कर दीजिएगा या फिर आप प्रैक्टिस टेस्ट, तो इसी के वे में यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे. तो मैंने इस पर किया है, मैं हमेशा प्रैक्टिस टेस्ट में ही अपना प्रैक्टिस करती हूँ, और उसके बाद मैं कर देती हूँ डोंट डिस्प्ले. मैं इसको चेंज करती हूँ ऑटो फिल में, सो दैट कि मेरा जो, अगर मैं इनकरेक्ट आंसर दे रही हूँ तो वो ऑटो डिस्प्ले हो जाए. और इससे क्या होगा, जैसे मैं अभी रॉन्ग आंसर दूंगी तो मुझे साथ के साथ उसके
क्वेश्चंस का आंसर जो करेक्ट वन मिल जाएगा वो आप एंड में भी कर सकते हैं और प्रीवियसली भी कर सकते हैं। तो ये मैंने बिगिन टेस्ट कर दिया है। बिगिन टेस्ट करते ही इस पर हमारा क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे मेरे फर्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं, ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब सिनेरियो बेस क्वेश्चन आते हैं इसमें। और मैंने क्वेश्चन नंबर वन पे क्लिक किया तो इसमें इसने पूछा है इस तरीके का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें आपको करेक्ट आंसर पर क्लिक करना है। तो इसमें जो मोस्ट ऑफ द इनका मोटिव होता है वो यही होता है कि आप स्टोरेज डिज़ाइन सॉल्यूशन कैसे देंगे एज़्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म पर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो जैसे मैंने एज़्योर फाइल पर क्लिक किया तो लेट्स सी, देख लेते हैं अभी क्या ये दिखाता है। ओ ये मैंने सही उस पर क्लिक कर दिया, मैं रॉन्ग पे करती हूँ। जैसे कि हाँ ये भी बहुत आता है, डज दिस सॉल्यूशन मेट दी कि ये मीट दी सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इसे ज़रूर कीजिएगा। तो ये जैसे मैंने नो पे किया तो इसने नीचे सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया और इससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट वन क्या है।